के बारे में एक चीज फेमस थी कि कभी भी जब वो टेस्ट क्रिकेट में पारी खेलते थे उनको इतना कॉन्फिडेंस था अपनी स्किल्स पे, इतना कॉन्फिडेंस था अपनी इंडस्ट्री पे, इतना कॉन्फिडेंस था अपने मेंटर पे कि वो कभी भी हेलमेट यूज नहीं करते थे। फास्ट पेसर हो, स्लो पेसर हो, ऑफ साइडर हो, ऑन स्पिनर हो, कैसा भी प्लेयर हो, हमेशा वो बिना हेलमेट के या कैप के खेलते थे। तो इतना कॉन्फिडेंस था उनको अपनी स्किल पे। सेम थिंग विद रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो वर्ल्ड का टॉप फुटबॉलर है, उन्होंने बचपन में ही अपने क्लासमेट्स को, बडीज को वो बोला करते थे कि मैं दुनिया का मानता हूँ फुटबॉल प्लेयर बनने वाला हूँ एक दिन, और उन्होंने ये करके भी दिखाया। देयर वाज हिज कॉन्फिडेंस, देयर वाज हिज सेल्फ बिल्ड, देयर वाज हिज ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ। तो ये सारी चीजें मैं आपको किस लिए बता रहा हूं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये दोनों खिलाड़ियों को इतना विश्वास था अपनी खुद की स्किल्स पे। तो आज की जो ये ट्रेनिंग है आप लोगों को कि आपको इंडस्ट्री पे, अपनी शेप शॉप पे, अपने प्रोडक्ट पे कितना विश्वास होना चाहिए, उसी के बारे में पूरी ट्रेनिंग होने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है क्या सर? स्लाइड बदली नहीं हुआ नहीं हो रहा क्या? अरे ना? एक सेकंड दादा, आप कंटिन्यू करो, मैं एक सेकंड इसको सोल्व करता हूँ। थैंक यू ग्रेट सर। दोस्तों की बात है कॉन्फिडेंस का ऊपर, जैसे हमारे ग्रेट मेंटर एग्जांपल दिया कि सुनील गावस्कर में इतना कॉन्फिडेंस है। तो दोस्तों हमारी फील्ड का, सिर्फ सब फील्ड में जिसको भी कॉन्फिडेंस है वो तो आसमान को छोएगा, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है। अगर जिनका कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आ रहा है तो दो ही कारण हो सकता है, या तो आपका नॉलेज नहीं है। हाँ सर, दिख रहा है अभी स्क्रीन पे। हाँ हाँ सेम, मतलब सेम स्क्रीन आया है अभी आ आपका? रहा है। हाँ अभी आ गया, आ गया। हाँ तो थैंक यू सर के लिए, एक बार जोरदार तालियां एनसी विश्वास सर के लिए। तो कैरी ऑन, जो मेरा पॉइंट था कि आज हमको इंडस्ट्री पे, अपने सेप्स ऑफ बिजनेस पे, अपने प्रोडक्ट पे, और आज आपने जो डिसीजन लिया है, एक सेल्फ होम बेस्ड बिजनेस एज एन एंटरप्रेन्योर, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जो आप कर सकते हैं, उस पे आपको इतना विश्वास होना चाहिए और कैसे आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने ये देखा था, एक राजस्थानी, ये साइड बाय जैसे हाईवे ढाबा होता है वैसे होटल था, तो उसके बोर्ड पे देखो क्या लिख रखा है। होटल के मालिक को इतना विश्वास था अपने कर्मचारियों पे, भोजन पे, खाने पे, उन्होंने लिख रखा है कि कोई भी चीज अगर आपको पसंद ना आए खाने के बाद भी तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको पेमेंट नहीं देना होगा, आप रिटर्न कर दें और जो खाया है उसका भी कोई भी खर्चा नहीं लगेगा। तो यही विश्वास हमको इस बिजनेस में कैसे हो सकता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर आउट कर दूं कि दिस बिजनेस नॉट इट्स नॉट सम काइंड ऑफ यू नो गेट रिच स्कीम और रातों रात मालामाल बनाने वाली कोई स्कीम नहीं है। सो दिस बिजनेस इज ए लेजिट डायरेक्ट सेलिंग रिटेल कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस, जिसमें हम लोगों को खरीदार बना के आगे अपने प्रोडक्ट को मूव कर रहे होते हैं। तो लेकिन कुछ क्या है इस बिजनेस में, थ्री कैटेगरीज हैं। जितने भी नए लोग आते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू गाइस, क्योंकि आज 1000 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि 1000 पार्टिसिपेंट्स में मेरे को नहीं लगता आप सारे के सारे लोग इस कैटेगरी में से होंगे, लेकिन फर्स्ट जो कैटेगरी है जैकपॉट, जो ज्यादातर लोग आते हैं वो ऐसी थिंकिंग लेके आते हैं कि यहाँ कोई जैकपॉट होगा, या आप कुछ लोगों को बताएंगे, या रातों रात आपकी मतलब लाखों की या हजारों में इनकम आ जाएगी। सो देयर इज ए जैकपॉट थिंकिंग विदाउट एनी पार्टिकुलर नॉलेज, कुछ बिना सीखे, बिना कुछ करे, बिना कुछ मतलब अपने आप को सेल्फ डेवलप किए। सो एक किस्म के ऐसे लोग आते हैं, दूसरी किस्म के ऐसे लोग होते हैं एमेच्योर्स किसी भी फील्ड से, क्योंकि इस बिजनेस में आप देखिए दिस इज फॉर एवरीवन, हर एक के लिए है ये बिजनेस। तो आर्मी बेस्ड लोग भी आते हैं इसमें, पार्टिकुलर जो काम कर रहे हैं वो भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, लॉयर भी आते हैं। तो सब लोग जो उनको, जो उनकी नो हाउ थी उस टाइम की, एज ए कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई हाउसवाइफ हो सकती है, तो उनकी जो नॉलेज है वो एक्सपर्टीज वो इस बिजनेस में लाने की सोचते हैं। बट देर इज ए सर्टेन लॉ, देर इज ए सर्टेन एस्पेक्ट अबाउट सेल्स, अबाउट मार्केटिंग। तो एमेच्योर लोग इसमें अपना दिमाग लगाने की सोचते हैं, इवन दो कि ऑलरेडी ऐसे सिस्टम डेवलप कर रखा है हमारे सक्सेसफुल सिस्टम में कि लाखों लोग, हजारों लोग उससे, उसके थ्रू इनकम ले रहे हैं और उसे सक्सेसफुली अपना डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस रन कर रहे हैं। तो एमेच्योर स्किल्स क्या है कि बिना कुछ बताए अपने मेंटर से, या बिना कोई भी
डिस्कशन किए बिना कोई नॉलेज लिए हम कोई भी डिसीजन लें, ओपिनियन को सुन लें। और थर्ड काइंड है प्रोफेशनल, प्रोफेशनल पीपल, प्रो, जो प्रो हैं, जो सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करना चाह रहे हैं, देयर इज देयर ऑप्शन। तो प्रोफेशनल इस बिजनेस में है जो ज्यादातर 3% हाई अर्नर्स होते हैं, 3-10%, जो लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल भी होते हैं, जो लोग दूसरे लोगों को भी सक्सेसफुल बनाते हैं, और एक सर्टेन जो इनकम या जो ड्रीम लेके आए थे वो सक्सेसफुली अपने आप हासिल कर पाते हैं। तो प्रोफेशनल लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस में सीख के, एक कॉमन ट्रेनिंग लेके, और अपना जो उनका स्पॉन्सर था एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन, दैट वी से इन आवर बिजनेस, दैट इज द एक्रोनिम फॉर दैट। तो आपका जो मेंटर है उसकी बातें सुन के, या जिसको आपने स्पॉन्सर किया है वो आपको बता सकता है, वो आपको सिस्टम से इंट्रोड्यूस कर सकता है, प्रोफेशनली आप इस बिजनेस में सक्सेसफुली आप आगे बढ़ सकते हैं। सो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी फर्स्ट टू कैटेगरी से होगा, कोई है क्या आज के 100+ जो पार्टिसिपेंट्स हैं? मुझे लगता है सारे के सारे प्रो बनना चाहेंगे, प्लीज रेज योर हैंड जितने लोग प्रो बनना चाहते हैं इस बिजनेस में और नए आए हैं इसी वीक से। ग्रेट, मैं बहुत सारे रेज्ड हैंड देख पा रहा हूँ। सो व्हाट इज द सेफ शॉप इन जनरल? अगर आप सेफ शॉप में, क्योंकि आप ऑलरेडी प्लान ले चुके हैं या जो सुन चुके हैं और आप ऑलरेडी इसमें आपने कुछ जानकारी ली होगी सेफ शॉप के बारे में, बट आप ई कॉमर्स और सेफ शॉप को कैसे जनरलाइज कर सकते हैं कुछ लोग, इसमें आपको थोड़ा सा मैं ऑप्शन देना चाहूंगा कि सेफ शॉप है क्या। सेफ शॉप स्टैंड फॉर एक ई कॉमर्स रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब्सक्रिप्शन सर्विस। आप यहाँ ई कॉमर्स कोई भी प्रोडक्ट ई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू आप घर घर तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे लोगों को इसका डिस्ट्रीब्यूटर भी और दूसरे लोगों को इसका सब्सक्राइबर भी बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। बहुत सारी कैटेगरीज हैं हमारे पास FMCG, वेलनेस के प्रोडक्ट्स, लाइफस्टाइल, क्लोथिंग, किचन, मतलब लिमिटेड जो भी हमारा मॉर्निंग टू इवनिंग सामान इस्तेमाल होता है घर पे, सारी की सारी कैटेगरीज हमारे इस बिजनेस में हैं, प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको थोड़ा सा मैं इसका सिंबलाइज कर दूं कि सब्सक्रिप्शन सर्विस बोले तो नेटफ्लिक्स, शुरुआत में जो मूवी सेगमेंट थी, DVD, CD सारी की सारी लोग इसके थ्रू दुकानों से खरीदते थे, बट नेटफ्लिक्स आया। शुरुआत में तो वो DVD रेंट करता था, उसका सब्सक्रिप्शन सर्विस था, लेकिन आजकल बहुत सारी कंपनी, अमेजोन से लेके, जियो से लेके, हर एक कंपनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस में आ गई, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में आ गए। सेम विद हमारी सेफ शॉप के साथ, क्योंकि हम भी लोगों को एक प्रोडक्ट बताते हैं, शेयर आउट करते हैं, अगर उसको अच्छा लगता है परचेज करता है और वो रिकरिंग हमारा कस्टमर बन सकता है, बार बार ही हमसे ही परचेज ले सकता है। तो ये सारे के सारे बिजनेस मॉडल्स ऑलरेडी समझ चुके थे कि नए कस्टमर को ढूंढना बहुत मुश्किल है और एक जो कस्टमर ऑलरेडी हमारा बन चुका है उसको बार बार खरीदवाना बहुत आसान है। और ये मॉडल नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, हमारी खासकर जो 22 सालों से हमारी सेफ शॉप कर रही है, ये पहले से पहचान चुकी थी। आप लोग भी इस बिजनेस में, अगर आपको सिंपल भाषा में बोलें, अगर आपको चाय अच्छी लगती है तो आप अपनी सहेलियों को, आप अपने मित्र को, आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ऑफकोर्स बोल सकते हैं कि मेरी यहाँ, मैं रिटेल बिजनेस कर रहा हूँ, आप यहाँ से चाय खरीद सकते हैं। ऑफकोर्स देर वो खरीदेंगे तो वो बार बार आपके यूजर बनेंगे, इससे आपको रिकरिंग फायदा होगा और उनको भी रिकरिंग प्रोडक्ट है उसके वो सब्सक्राइबर बनेंगे। तो सिंपल भाषा में, जो नियमित रूप से कोई भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे, कोई भी प्लेटफॉर्म की सेवा के लिए पैसे दे, वो सब्सक्राइबर है, और वही हम सेफ शॉप में कर रहे हैं। ओनली सिंगल पॉइंट जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर हम सब्सक्राइबर के साथ साथ उनको डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाते हैं और उनको सिखा भी देते हैं दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, तो हमारी एक इनकम रात दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो जाती है। So this is the only difference about in any e-commerce company and safe shop. ये main difference है। और बहुत सारे products जैसे बड़े बड़े manufacturers से, Raymond, Vimal, Aditya Birla Group, बड़े बड़े manufacturers से हमारे products सारे के सारे बने हुए हैं, patent applied हैं, pioneered products हैं। आज की जितनी भी technological जो engineering है और latest जो technology है उसके हिसाब से सारे products designed हैं, सारे के सारे manufactured हैं। ये हमारी symbolized और एक USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है। क्योंकि मेरी कल एक लीडर से बात हो रही थी, उन्होंने पाल सर से बात हो रही थी मेरी, और उन्होंने एक लीडर से बात कराई होगी, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन उनका क्वेश्चन था कि सर हमारे प्लान में ऐसी क्या चीज है या हमारे प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज है, ऐसी तो हजारों कंपनियां हैं, ऐसे तो हजारों डायरेक्ट सेलिंग या D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर कंपनीज हैं।
तो आज का जो मैं ये जो स्लाइड दिखा रहा हूं, फर्स्ट थिंग बिग मैन्युफैक्चरर्स पेटेंट अप्लाइड पायनियर प्रोडक्ट्स प्लान दैट इज स्टेबल फ्रॉम लास्ट 22 इयर्स पे आउट दैट इज बीन कमीशन्ड द पे आउट दैट इज बीन गिवन टू एवरी पर्सन हर हफ्ता पिछले 22 साल से लगातार पे आउट हो रहा है. सो दीज आर द यूएसपी जो और कंपनियां नहीं कर रही. वी आर ए ब्रांड दैट इज बीन स्टैंडिंग टॉल फ्रॉम लास्ट 22 इयर्स 22 सालों से जो मतलब सीना तान के खड़ी हुई है, हम वो ब्रांड है और इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड हमारे साथ अटैच है. तो हमको फकर के साथ और अपने अपने ऊपर प्राउड प्राउड फीलिंग के साथ अपने बिजनेस को रिकमेंड करना चाहिए. क्योंकि देखिए कितने जबरदस्त प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. अभी हाल ही में आज ही कल ही मेरा एक मैंने ये मंगाया था ट्रैक सूट, तो आज ही मैंने उसकी अनबॉक्सिंग की है. जबरदस्त जितने भी कॉम्बोज हैं हम इसका फायदा ले सकते हैं. क्योंकि अभी लेटेस्ट में जो रिद्धि सिद्धि है वो भी आपके टारगेट में काउंट होगा 600 BV के लिए. तो जितने नए एसोसिएट हैं फर्स्ट टाइम 600 BV हिट करके कैसे वो अपना नेक्स्ट 5,000-6,000 का चेक इसी वीक बना सकते हैं, ये सारे के सारे कॉम्बोज का फायदा ले सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज सिस्टम. व्हाट इज द सिस्टम और क्यों हमको सिस्टम की जरूरत है इस बिजनेस में? क्यों ना हम अगर रिटेल का बिजनेस कर रहे हैं तो कोई भी दुकानदार दुकान खोल के बैठ जाता है, हम भी खोल के बैठ जाएं, क्यों? सो हेज द एग्जाम्पल, हेज द इलुस्ट्रेशन जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा सिस्टम है इस डायरेक्ट सेलिंग एज एन एंटरप्रेन्योर, आप IBO हैं, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए सिस्टम क्यों डिजायरेबल है? देखिए आपको ये पता है कि जितने भी हायर लोग करते हैं, मैकडोनल्ड्स हो, सबवे हो, कोई भी चेन हो, कोई भी बंदा आके, बेशक वो 17 साल का हो या 47 साल का हो, सभी बर्गर फ्लिप करके ऑर्डर डाल के और सभी लोगों तक डिलीवर करने में कैसे सक्षम है? क्यों मैकडोनल्ड्स में ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि मैकडोनल्ड्स ने एक सिस्टम एज ए फ्रेंचाइजिंग सिस्टम कि हर एक एम्प्लॉय को वो ट्रेन कर सके, हर एक एम्प्लॉय को वो सारी बताएं जो नॉलेज है वो आगे इजीली पहुंचा सके और उसको एक सिस्टमेटिकली वे से वो उसमें अपनी जो नोआव है या जो उसकी जॉब है वो कर पाए. यही चीज हमारे सक्सेसफुल सिस्टम भी करता है. जैसे मैकडोनल्ड्स, सबवे और जितनी भी फ्रेंचाइजिंग सिस्टम है वो एक एम्प्लॉय को सिखाती है, ऐसे ही सक्सेसफुल सिस्टम हमारा जो इस डायरेक्ट सेलिंग में जिसने लाखों लोग सक्सेसफुल बनाए हैं, जिसने हजारों लग्जरी कार्स का बेड़ा पार किया है, जिसमें मतलब हर हफ्ते हर संडे अभी डायमंड्स निकल के आ रहे हैं, तो ये एक असेसमेंट है, ये सक्सेसफुल सिस्टम है जो आपको इस फील्ड में ट्रेनिंग देके सक्सेसफुल बनाएगा. सो वन ऑफ द मेन क्वेरीज, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं, मैक्सिमम नए लोग हैं, तो बहुत सारी क्वेरीज आपको आगे आएंगी. Because you will be approaching someone, you will be talking to your friends, आप अपने दोस्तों से बातचीत करेंगे, तो बहुत सारी queries आएंगी and some could be positive and some could be negative. Basically, online हो चाहे offline हो. Because we are living in a social age, तो आपको सकारात्मक और नकारात्मक, क्योंकि हर एक फील्ड की बातें आप सुनते हैं, तो यहाँ भी आ सकती हैं. कुछ लोग बोलेंगे कि पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, स्किल नहीं है, सोच के बताएंगे. और एक्सटर्नल ऑब्जेक्शंस भी हो सकती हैं कि ये कोई मतलब सिर्फ दूसरे लोग तो इसमें कामयाब नहीं होते, हम नहीं कामयाब होंगे, स्कैम तो नहीं है, चिटफंड तो नहीं है. तो ऐसी जो भी आपकी क्वेरीज है, मैं आपको क्योंकि शुरुआत में ही अगर आपको अस्त्र और शस्त्र प्रदान कर दिए जाएं तो आप लोग सिक्योर महसूस करेंगे और नॉलेज के साथ लोगों को टैकल कर पाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी ये इंडस्ट्री है, बिकॉज यू गॉट टू नो द फैक्ट्स, फिकी एंड KPMG जो बिगेस्ट इंस्टीट्यूट हैं, और जो फिकी है वो कंज्यूमर गाइडलाइंस और सारी की सारी चीजें इंडियन गवर्नमेंट से अटैच्ड है. तो उनके जो क्या बोलते हैं केस स्टडीज हैं या उनके जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं, जैसे .org से एंड करती है फिकी की वेबसाइट, .government से करती है, .edu से करती है, तो ये सारी वेबसाइट से आप डेटा लें. और अगर आप किसी फिजिकली अगर किसी से सलाह लेना चाह रहे हैं, अकाउंटेंट से सलाह लें, लॉयर से सलाह लें कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग ये सेफ्स ऑफ बिजनेस कितना मतलब बढ़ रहा है आगे, क्या इसका ईयरली आउटपुट है, क्या इसका कैश फ्लो है, तो जो भी आपकी नॉलेज है आप एक एस्टेब्लिश्ड और एक मॉरल जो एथिकल एक करेक्ट जो रिसोर्स है वहां से फायदा लें, ना कि आप कोई भी ऐसी वेबसाइट देख लें यूट्यूब से या फेसबुक से. तो यहाँ पे आपको बिल्कुल मतलब ओपिनियन मिलेंगे, यहाँ कोई आपको फैक्ट नहीं मिलेगा. तो मेरी आपसे ये राय है और मेरी आपसे ये सलाह है कि आप इस बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएं, क्योंकि आप इस बिजनेस में आए हैं. ऑफलाइन अगर कोई एक्सपर्ट है डायरेक्ट सेल्स में
जो मतलब बहुत उसकी नॉलेज है, बहुत सालों से काम कर रहा है इस बिजनेस में सक्सेसफुल है, इनकम ले रहा है, आप उनसे सलाह ले रहे हैं, या आप उनसे सलाह ले रहे हैं कि जो जिन्होंने आज तक डायरेक्ट सेलिंग से कोई लेना देना नहीं, कोई मार्केटिंग से लेना देना नहीं, उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में मतलब एक पेन भी नहीं बेचा होगा, तो आप किन लोगों से सलाह ले रहे हैं, लाख वाले से या हजार वाले से? तो अगर आप सलाह लें तो किसी अकाउंटेंट से, लॉयर से लें, किसी वेल एस्टेब्लिश पर्सनैलिटी से लें जो जज कर पाए आप किस फील्ड में हैं, ठीक है? और बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स, ट्रम्प, रिचर्ड ब्रैंसन, बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स इस सेगमेंट में बहुत सक्सेसफुल हैं, उनकी खुद की इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू वो रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। तो ये हर एक इंडस्ट्री में है आजकल। फॉर एग्जाम्पल हॉलीवुड के बारे में आपको लाखों वीडियोज मिल जाएंगी ऑनलाइन, इवन की टाइगर वुड्स को भी नहीं छोड़ा, टाइगर वुड्स जो एक फेमस गोल्फर हैं उनके बारे में भी कंट्रोवर्सीज हर मैगजीन में आती रहती है कि कितनी शादी होगी, कितने अफेयर्स हैं, इवन की स्टॉक मार्केट मार्केट ट्रेडिंग के बारे में डार्क सीक्रेट्स आपको ऑनलाइन वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो आपको आपका जो फोकस है उससे आपको डीअरेंज करें या डीरेल करें, उससे आप बचें और एक डिफ्रेंशिएट कर पाएं कि कौन सच्ची नॉलेज है और कौन करेक्ट नॉलेज है, कौन सच्चा ज्ञान है। क्योंकि देखिए हर एक कंपनी के बारे में, इवन अमेजोन जिसको एनसीपीसीआर ने समन किया था अभी, और ओयो पे और सीसीआई ने ओयो मेक माई ट्रिप पे इन पे बहुत मतलब 300 और 200 करोड़ में फाइन स्लैप किया था। तो ये सारे जो इश्यूज हैं हर एक ट्रेडिशनल कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, उनमें आते रहते हैं। तो हमको ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि हम क्या एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या एक कंपनी की बात कर रहे हैं। सेकंड जो चीज है कि जो भी ये स्कीम्स है, कोई आपसे पूछ ले कोई स्कीम तो नहीं है या ये कोई वैसा बिजनेस तो नहीं है जिसका मुखौटा लेके लोग लूटते हैं, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे इस बिजनेस में कोई भी अपफ्रंट कॉस्ट नहीं है। जो इलीगल स्कीम्स आती हैं इस मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल को लेके, वो कोई भी मतलब ऐसी चीज होगी, जैसे आपको एग्जाम्पल दूं, कोई सोने का सिक्का देने लग जाएंगे कि आप 3 लोगों को सोने का सिक्का मिलेगा अगर आप 10-10 हजार रुपए की या 20-20 हजार रुपए 5 लोगों से लेके आते हैं, और फिर वो 3 लोगों से आगे वालों से बोलेंगे। तो ऐसे उनका कोई ना कोई एक बैक एंड होता है सिर्फ मनी को मैनिपुलेट करने का, ये फर्क है। हमारे में कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं है, उनके में अपफ्रंट कॉस्ट होगा। उनके में कोई प्रोडक्ट सर्विस होता नहीं है जनरली, और होगा भी तो कोई बुलशिट प्रोडक्ट होगा। वी हमारे बिजनेस में हमारे पास बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स का, बड़ी बड़ी कंपनीज का 22 साल से जो रिलेशंस हैं, हजारों करोड़ों में जो टर्नओवर है, वो सारा हमारे बिजनेस में। थर्डली हमारे इस बिजनेस में रिक्रूटमेंट से कोई पैसा नहीं आता, सेल से आता है, प्रोडक्ट की या जो आपकी कोई भी सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, उससे आपसे आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, कमीशन आता है, ना कि रिक्रूटमेंट से लोगों को ले आए, 5 को ले आए, 7 को लेकर आए, इट डजेंट डिपेंड ऑन दैट। तो ये फर्क आपको बताना आना चाहिए। जैसे कि आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, बहुत सारी कंपनियां वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जो मतलब कुछ भी प्रोडक्ट ला के उसका मुखौटा ला के यूज कर रही हैं, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। बट इन आवर सेफ शॉप आप या तो रिटेल से कमाते हैं लोगों को एमआरपी पे, जो आपको एसएसपी मिलता है एमआरपी पे लोगों को देके, या फिर आप दूसरे लोगों को सब्सक्राइबर या डिस्ट्रीब्यूटर बना के, इन्हीं 2 चीजों से आप इसमें पैसे कमाते हैं, कमीशन कमाते हैं, और एक बहुत बड़ी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर पाते हैं। द बिगेस्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए सेपरेशन क्या है, जो दूसरी जो एक कंपनियां हैं उससे हमारी सेपरेशन क्या है? क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा था कि मेरे को कल एक क्वेश्चन आया था, वो बोल रहे थे कि और भी तो कंपनियां हैं उनसे हमारी क्या सेपरेशन। तो फर्स्ट वन इज टॉप डॉग मैन्युफैक्चरर्स, उनके पास कभी हो ही नहीं सकते ऐसे मैन्युफैक्चरर, ऐसी क्वालिटी के, ऐसी रिसाइक्लेशन के, ऐसी लॉजिस्टिक्स के, ऐसी पैकेजिंग के, और पेटेंटेड, ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ, मतलब बहुत सालों की रिसर्च के बाद कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं समझदारी के साथ। और इवन की पास्ट में रिबॉक से लेके सीएनबीसी से लेके पैनासोनिक, फिलिप्स, इलेक्ट्रोलक्स, कुकपोर्ट, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो नामी जानी मैन्युफैक्चरर्स हैं अपने फील्ड में। सेकेंड ऑफ ऑल नेटवर्क मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत बड़ा एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बन गया है, कर्नाटका यूनिवर्सिटी से लेके शिकागो यूनिवर्सिटी, इवन की दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमबीए में एक सब चैप्टर है, हिमाचल यूनिवर्सिटी में पूरा 1 साल का इसका डिप्लोमा है। तो ऐसी आर्टिकल्स, जर्नल्स और साइंटिफिक स्टडीज से आप अपने इस बिजनेस में सीखें या जो भी आपको ऑब्जेक्शन मिल रहे हैं वहां से देख पाएं। और सेकंड थिंग, तो नेक्स्ट एक बिग क्वेश्चन आपको सुनने को मिल सकता है कि यहाँ इतनी सारी चॉइसेस क्यों नहीं है, मिंत्रा है जैसे, फ्लिपकार्ट है, या इवन कि अमेजोन है, ये इतनी सारी चॉइसेस क्यों नहीं है?
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो बिजनेस है, वी आर नॉट इन ए पाइप सेल्स बिजनेस, हम डायरेक्ट सेल्स बिजनेस में. तो हमारा जो ई कॉमर्स स्टोर है, हमारा ब्रांड्स है खुद की, और हम डायरेक्टली ई कॉमर्स स्टोर पे लोगों को इससे मुहैया करवा रहे हैं. और जो ये ओपन सोर्स है, मिंत्रा, अमेजोन, ये सारे ओपन सोर्स हैं. यहाँ पे 70% तो थर्ड पार्टी सेलर्स होते हैं, जो कोई भी बेच रहा होता है सामान. हमारा क्या है, ऑलरेडी एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है और हम उसको पुश कर रहे हैं, तो इसलिए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की, ब्रांडेड क्वालिटीज की, ब्रांडेड वॉल्यूम्स लिमिटेड होंगे और निच बेस्ड होंगे. तो ये आपको फर्क महसूस होना चाहिए खुद भी, और दूसरे लोगों को बताना आना चाहिए कि हमारा निच बेस्ड है, और जो ये बाकी की ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं ये ओपन सोर्स हैं, यहाँ कोई भी सेलर आके काम कर सकता है. व्हाई ट्राइपॉड, क्यों आपको इसी वीक, जो आप फर्स्ट वीक, फर्स्ट स्टेप आपने ऑलरेडी कर लिया है, सेकंड स्टेप जो आपका है क्यूएससी, इसी वीक क्यों आपको करना चाहिए, क्यों आपको 400 BV 600 BV से लोगों को ज्वाइन कराना चाहिए, क्यों लोगों को आपका नेक्स्ट ब्रॉन्ज और नेक्स्ट टारगेट जो है क्यों इसी वीक करना चाहिए? क्योंकि देखिए, फर्स्ट एंड फोर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे लैम्बोर्गिनी देख पा रहे हैं. लैम्बोर्गिनी की ऑलरेडी 2024 तक की सेल हो चुकी है. दे आर नॉट टेकिंग ऑर्डर्स एनी मोर. क्यों? बिकॉज दे बिलीव इन क्वालिटी, दे बिलीव इन लग्जरी, दे बिलीव इन ए स्टैंडर्ड. उन्होंने पहले ही ऑर्डर्स ले लिए. अभी जितने भी ऑर्डर्स आए, 4,000, 8,000, 10,000 ऑर्डर्स आए, अभी वो उसको क्वालिटी बिल्ड करेंगे. सेम विद आवर बिजनेस. हम किसी भी बंदे को 10 BV, 20 BV, 50 BV, 80 BV, इसके हर एक के लिमिटेशंस हैं, हर एक चीज के लिमिटेशंस हैं. जैसे 75 BV या 100 BV बिलो में क्या उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, लेकिन अगर हम बंदों को, हम नए लोगों को रेफर करेंगे प्रोडक्ट्स 400 BV, 200 BV, 600 BV क्यूएससी, तो ये हमारे बिजनेस के लिए खुद प्रॉफिटेबल होगा, खुद डुप्लीकेबल होगा. तो जैसे लैम्बोर्गिनी ना कि सस्ता, छोटी वॉल्यूम में सस्ती कारें बना के अपने आप को बिजी कर रही है, बल्कि दूसरे लोगों को एक क्वालिटी प्रोडक्ट दिला के, हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट, हाई टिकट सेल करके, और दूसरे लोगों का वो खुद भी फायदा करवा रही है, खुद भी उनको लग्जरी प्रोवाइड कर रही है, और उनकी भी ऑलरेडी सेल्स फुल हो रही है, उनको वेट नहीं करना पड़ रहा हर साल. फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये अम्ब्रेला, अम्ब्रेला तो 10,000 का भी आता है, अम्ब्रेला तो 30,000 रुपए का भी आता है, देख रहे हैं आप 260 यूरो का. और हमारा जो नुक्कड़ किनारे का जो अम्ब्रेला होता है वो कितने रुपए का होता है? कोई 150 का होगा, कोई 200 का होगा. क्यों फर्क है ये? जो ये ब्रांड है परसोटी, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अम्ब्रेलाज की, ये ब्रांड को पता है कि लोगों को एक्सक्लूसिवनेस, लोगों को हाई टिकट सेल कैसे कर सकते हैं. सेम हमारे बिजनेस में अभी जो नए लोग आए हैं उनको, क्योंकि वो खुद भी 10,000, 15,000 जितना भी उनकी खुद की वॉल्यूम रही होगी वो लेके आए हैं, लेकिन बड़ी सेल्स करने का क्या फायदा है? क्योंकि हम लोगों को यहाँ एक लाइफस्टाइल, यहाँ एक प्रोडक्ट, यहाँ एक एक मतलब रिकरिंग कस्टमर बना रहे हैं, एक बारी के लिए नहीं बना रहे हैं. तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम हाई वॉल्यूम में करेंगे और लो वॉल्यूम में करेंगे, तो उसके क्या नुकसान है? वो लो वॉल्यूम में करेंगे तो लो क्वालिटी, लो डुप्लीकेशन, वही चीज हमारे बिजनेस में आगे जाके और लोग भी वही चीज करेंगे. अगर हम हाई वॉल्यूम के, हाई क्वालिटी के और हाई बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट्स रेफर करेंगे तो लोग वही डुप्लीकेट करेंगे हमारे बिजनेस में. नेक्स्ट जो पार्ट है, कई लोग बोलते हैं कि ये टॉप अचीवर्स या ये बार बार क्या अचीवमेंट्स हैं, ये सराहना क्या है, या सारे लोग थोड़ी ना अचीवर बनते होंगे. सो देयर इज अ बेसिक एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. जैसे हर एक इंडस्ट्री में, बेशक वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, तो इंडिया में या बॉलीवुड में तो आईफा अवार्ड्स होंगे, हॉलीवुड है तो ऑस्कर अवार्ड्स होंगे, तो हर एक चीज, इवन लूजर्स के लिए भी अवार्ड होते हैं आजकल तो, मोस्ट सिली और मोस्ट वर्स्ट मूवी, इसके भी अवार्ड्स होते हैं. तो ऐसे ही हमारे बिजनेस में हर एक अचीवमेंट को अवार्ड दिया जाता है, सराहना की जाती है, उसकी हौसला अफजाई की जाती है, ताकि वो नेक्स्ट स्टेप तक कैसे अचीव करें और कैसे उनमें प्रोत्साहन और मोटिवेशन बना रहे. तो हमारे, जैसे मैंने आपको बताया, सेकंड स्टेप आपका क्यूएससी है, देन आप सुपर क्यूएससी के बाद ब्रॉन्ज, सिल्वर, नेक्स्ट रैंक 1, 2, ऐसे करके जैसे आपकी रैंक एडवांसमेंट होगी आपको भी यहाँ सराहना की जाएगी. बात रही कि सारे लोग अचीव करते होंगे क्या, या थोड़े ही अचीवर होते हैं, तो आप बात देखिए, अगर दो चार लोग, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री में या किसी भी बिजनेस में सिर्फ 10% लोग सक्सेसफुल होते हैं, तो आज के टाइम पे अगर
10 out of 100 पीपल सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, नहीं हो सकते? Yes. वही सिस्टम से, वही कंपनी से, वही प्रोडक्ट से। अगर एक बंदा तालाब में जिसके दो हाथ हैं और दो पैर हैं, अगर वो हाथ पैर हिला के तैरना सीख सकता है, तो और लोग भी सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते? Yes. सेम थिंग, अगर आप लोग इस बिजनेस में पूरे कमिटमेंट के साथ आए हैं, पूरे जोश के साथ आए हैं, पूरे सीखने के और ऑब्जर्वेशन के करके और पूरा कमिटमेंट के साथ आए हैं, तो आप भी इसमें सक्सेसफुल होंगे। बस फर्क ये है कि आपका कमिटमेंट लेवल कितना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं, इस बिजनेस में अगर एंट्रेंस फी या एंट्रेंस जो आपको रिटेल का जो वॉल्यूम थी, अगर उसको 99 लाख रुपए की उठानी पड़ती, तो आप इस बिजनेस में कितना ध्यान देते, कितना कमिटमेंट देते, कितना जोश देते, कितना अपना ब्रेन पावर लगाते इसमें? 1000% लगता, नहीं लगता? Yes. तो सेम थिंग, अगर आज 100 लोग इसमें 99 लाख रुपए का, या आज 999 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मैं 1000 लोग ही बोलूंगा, 1000 लोग आज जितने भी मेरे को सुन रहे हैं इस पैनल पे, आप 99 लाख रुपए वाला कमिटमेंट, 99 लाख रुपए वाला सीखने का जज्बा अगर उसको लेके आएंगे, तो इसमें सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, इवन की 990 पार्टिसिपेंट सारे के साथ। तो कमिटमेंट लेवल आपका कितना है? थर्ड पार्टी इज व्हाट इज दिस सिस्टम, बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है कि जैसे कोई भी बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, या चाहे कोई भी मतलब अनएजुकेटेड हो, अगर कोई मैकडोनल्ड्स में नौकरी करेगा, तो 2 मिनट में उसको ट्रेन कर देते हैं मैकडोनल्ड्स की। ये फ्रेंचाइजिंग पावर है। सेम विद सेफ शॉप, हमारा जो सिस्टम है, ट्रिपल एस सिस्टम है, वही जो हमारा स्किल सेट है वही इंप्रूव करता है। जो हमारा सिस्टम है, जो ट्रेनिंग्स हैं, जो हमारी बुक्स हैं, जो हमारी मेंटर काउंसलिंग्स होती हैं, वो हमारा माइंड सेट बिल्ड करती हैं। तो ये सारा का सारा सिस्टम बेस्ड ट्रेनिंग है। इवन कि इसको प्लेन एनालॉजी से मैं आपको समझाऊं, तो जैसे एक प्लेन को उड़ाने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। एक तो आपको पायलट स्कूल जाना पड़ेगा सीखने के लिए, दूसरा प्लेन की आवश्यकता होगी, थर्ड आपको एक को पायलट चाहिए होगा, आपका मेंटर या सहपाठी या एसोसिएट, और जो लास्ट है वो आप चाहिए होंगे, आपका भी होना उसमें जरूरी है प्लेन को उड़ाने के लिए। तो इस बिजनेस में प्लेन की भांति स्कूल है, वो हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है। प्लेन है वो आपका ये बिजनेस प्लान, बिजनेस सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान, और आपका प्रोडक्ट है, और को पायलट है वो है आपको जिसने ये बिजनेस इंट्रोड्यूस किया। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। एंड द मोस्ट कॉमन थिंग कि कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ के मुकाबले बहुत सारे सस्ते प्रोडक्ट हमको मार्केट में मिल सकते हैं, यहाँ के प्रोडक्ट थोड़े ओवर प्राइज्ड हैं, ये क्वेरी आएगी आपको, या आपने भी बोला होगा। तो इसका सिंपलेस्ट जो मैं आपको बता दूं कि हर एक प्रोडक्ट जिसकी क्वालिटी होगी उसका रेट हमेशा जाएगा, हाई जाएगा ही। तो हमारी जो 3 चीजें होती है, या तो क्वालिटी ले लो, या प्राइस ले लो, या वैल्यू ले लो, तो लॉजिकल प्राइस वैल्यू के साथ हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता दूं, मैं तो 6 साल की उम्र से सारे के सारे जो भी हमारे शेफ्सों के प्रोडक्ट्स हैं इस्तेमाल करता आया हूं, और आज भी रिकमेंड करता हूं इस क्वालिटी के, इस ब्रांड वैल्यू के, और इस अपॉर्चुनिटी के साथ कोई भी दमदार प्रोडक्ट इसके मुकाबले है नहीं आज के टाइम। क्योंकि आप देखिए, अगर कोई सस्ता प्रोडक्ट होगा तो उसका प्राइस डाउन जाएगा और उसकी स्पीड हाई होगी, लेकिन अगर किसी की क्वालिटी हाई होगी, उसके साथ एक बिजनेस अटैच्ड है, उसके साथ एक सिक्योरिटी अटैच्ड है, उसके साथ एक लग्जरी और एक स्टेटमेंट अटैच्ड है, तो उसका प्राइस ऑफकोर्स एक नॉर्मल प्राइस से हाई होगा ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी को पता है, सारी इंपोर्टेड ब्रांड्स है कार की, मर्सिडीज हमेशा मारुति सुजुकी से महंगी होगी, बेंटले फोर्स से महंगी होगी, अशोक लेलैंड से AMG महंगी होगी, टेस्ला हमेशा टाटा इलेक्ट्रिक से महंगी। क्यों है ये सारी ब्रांड्स? लोकल ब्रांड से ये सारी क्यों महंगी है? ऑफकोर्स इम्पोर्टेशन चार्ज के अलावा फिर भी ये महंगी है, क्योंकि इन्होंने इस ब्रांड को एसोसिएट किया है एक लग्जरी के साथ, इन्होंने एसोसिएट किया है एक क्वालिटी के साथ। हमारी सेफ्सो ब्रांड जो ऑर्गेनिक और बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो एसोसिएशन हैं उनसे प्रोडक्ट्स बनवाती है, जो बिजनेस प्लान है लास्ट 22 ईयर्स से सक्सेसफुल रन कर रहा है, करोड़ों लोग इस फैमिली का हिस्सा हैं, 860.47 करोड़ तो 2019 में टर्नओवर हुआ है, और वो इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखिए, ये सारी की सारी चीजें अगर महंगी होती तो ये प्रोडक्ट बिकते क्या? 860 करोड़ के बिक पाते क्या? तो क्वालिटी रही होगी, विश्वास रहा होगा, सिक्योरिटी रही होगी एसोसिएटेड, तभी तो इतना बड़ा टर्नओवर हो पाया। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, रेडबुल का, रेडबुल है क्या? रेडबुल की जो शुरुआत में जो बोतल आती थी वो सिर्फ मतलब 5-7 रुपए की आती थी,
मतलब देसी पौए की तरह लग रही है लेफ्ट पे। और अभी रेड बुल जो कैन आती है उसकी 125 रुपए की आती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने उस ब्रांड को एसोसिएट किया एक वैल्यू के साथ, उन्होंने एसोसिएट किया एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ, इसलिए उनकी हाई हुई। हमारे सेफ शॉप में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एसोसिएटेड हैं फर्स्ट तो हर्बल क्वालिटी के साथ, फर्स्ट है मेड इन इंडिया जो मुहिम है, प्राउडली जो मेड इन इंडिया, और सारे के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ मैन्युफैक्चर्ड है, यहाँ की ब्रांड्स के हैं, और सारा का सारा वर्क फोर्स है, लेबर है, मार्केटिंग स्टाफ है, सारा का सारा इंडिया से इस्तेमाल हो रहा है। और हमारी जो ब्रांड है वो लाइफस्टाइल के लेके फ्रीडम, लाइफ फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, फैमिली, फैमिली सिक्योरिटी, तो ये सारे की सारी एसोसिएशन है हमारे बिजनेस के साथ। इसलिए हमारा प्रोडक्ट आपको कंपेरेबली है नहीं इतना, लेकिन हल्का फुल्का लग सकता है, और आपको ये एसोसिएशन आ सकती है या क्वेरी आ सकती है। आप देखिए स्क्रीन पे एप्पल का जो स्क्रीन को साफ करने का सिंपल, जो एप्पल के फोन को स्क्रीन को साफ करने का 1900 का कपड़ा है, कपड़ा तो 5 रुपए का भी आ सकता है, लेकिन एप्पल एक ब्रांड बन चुका है इसलिए ये है। बैलेंसियागा का जो आप ये देख रहे हैं, जैसे कचरे को फेंकने का जो बैग होता है वैसा ये पर्स है, कितने लाख का पर्स, आप रेट देखिए। इवन की चश्मे हैं जो उनकी, जो रेबैन के चश्मे होते हैं उनकी जो प्राइस होती है सिर्फ बनते हैं वो 800-900 रुपए की, लेकिन जो MRP टैग होता है वो होता है 12,000, 15,000, 8,000 रुपए, ठीक है। तो ये सारी की सारी एसोसिएशन हैं, इन्होंने ब्रांड की वैल्यू बनाई है, ब्रांड की सिक्योरिटी बनाई है, ब्रांड की एक अवेयरनेस की है, ऐसे ही हमारे इस बिजनेस में है। हमारी ब्रांड इंडिया की नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड है, लाखों लोगों का फुलफिलिंग कर रही है, फुलफिलिंग द ड्रीम्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत जो ये मुहिम है, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का घर चलाती है। हजारों प्रोडक्ट्स डेली के डेली हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर्ड होते हैं और डेली शिप होते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज कि यहाँ जो बिग चेन्स हैं या डीमार्ट है, रिलायंस फ्रेश है, यहाँ से हम प्रोडक्ट्स क्यों नहीं ले सकते, यहीं से क्यों लेने चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कभी भी वहां से बिजनेस करेंगे आप पूरी जिंदगी, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ऑफ कोर्स आपको आज महसूस होता हो कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है, 5%, 7%, या एक चावल के साथ इतना शक्कर फ्री मिल गया, तो जो भी उनकी जो रिटेल या मार्केटिंग कैंपेन्स रहती हैं, लेकिन आपको कभी भी आपकी लाइफ में वो बिजनेस नहीं मिलेगा। यू विल नेवर गेट ए पार्ट आउट ऑफ इट। आपको महसूस होता होगा कि मैं महीने में 2,000 रुपये बचा लिए, या साल में 8-9 हज़ार रुपये, 12,000 रुपये बचा लिए आपको इन बड़ी शॉप्स पे जाके, लेकिन अगर आप फर्क देखेंगे, शुरुआत अगर आप इस बिजनेस में करें 1 साल 2 साल, और 2 साल में जितनी आपकी इनकम आए, और फिर आप उसको कंपेयर करें डिस्काउंट से, तो वो आपको ऑलरेडी पता लगेगा कि आपने जितने कमाए वो डिस्काउंट के बराबर, तो वो तो मतलब बहुत ज्यादा है डिस्काउंट से, ये फर्क है। तो आपको पहली बात तो कभी बिजनेस मिलेगा नहीं, दूसरी बात आपको जो ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं ये दूसरे के आयल पे तो है नहीं, हमारे डायरेक्टली ई कॉमर्स, हम लॉजिस्टिक्स से आपको डायरेक्टली आपके घर पे डिलीवर करते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स वहां तो है नहीं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ है हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, और जो प्रोडक्ट्स यहाँ नहीं है ऑफकोर्स आप लोग कहीं से भी खरीदें, ठीक है। आपका जो बिजनेस है, जहां से आपका बिजनेस आ रहा है, जहां से आप लोगों को प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट, वहां से आप सारे प्रोडक्ट्स जितने भी हैं जो आपके काम में आते हैं उसको इस्तेमाल करें, बाकी के आप कहीं से भी खरीदें, वी आर नॉट फोर्सिंग यू, ठीक है। तो आपको ये चीज है, कुछ लोग बोलते हैं कि बेचना पड़ेगा क्या, तो ऑफ कोर्स इफ यू आर इन 21st सेंचुरी और आप सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं किसी भी एंटरप्रेन्योरल जर्नी में, किसी भी बिजनेस में, तो सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स मस्ट है। आपको प्रोडक्ट को बेचना, मार्केट आउट करना आना चाहिए, और इस इंडस्ट्री में सबसे पहले आपको वही चीजें सीखनी पड़ती हैं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आप बेच ही नहीं पाओगे, तो आप खुद ही को कन्विंस कर रहे हैं। सेल्स इज द बिगेस्ट बिगेस्ट थिंग अबाउट सेल्स इज यू हैव टू कन्विंस, यू हैव टू पर्सुएड, यू हैव टू ट्रांसफर योर लॉजिक टू पीपल। तो अगर आप खुद को लॉजिक बता पा रहे हैं कि नहीं बेच सकते आप तो इस बिजनेस में, सेल्स में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि पर्सनली मैं आपको बता दूं, आई डोंट बिलोंग फ्रॉम ए सेल्स बैकग्राउंड, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट था, मैंने कंप्यूटर साइंस किया था, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया था, लेकिन सेल्स से मेरा कोई लेना देना नहीं था। बट फ्रॉम ट्रेनिंग, फ्रॉम स्पोर्ट, फ्रॉम दिस एनवायरमेंट मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, और इस बिजनेस से सीख के आज इस मुकाम पे खड़े हैं। तो आपको अगर बेचना नहीं आता तो आज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बिजनेस में ऐसी कोई स्किल नहीं है जो आपको ना सिखाई जाए इस ट्रिपलेस सिस्टम में। और रही बात सेफ शॉप एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस है, यहाँ आपको सिर्फ बेचना ही नहीं है, ऑफकोर्स इट्स ए प्री रिक्विजिट पार्ट,
आपको लोगों को रेफर करना आना चाहिए, लेकिन दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपको जो करना है वो है लोगों को ट्रेन करना। जैसे आज आप लोग ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, दिलवा रहे हैं, ऐसे ही दूसरे लोगों को भी ट्रेन कर पाए, उनको एक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर, उनको विजन दिखा पाए, लीडर बना पाए, तो वो आपके कोर लीडर होंगे और फिर आपके बिजनेस डुप्लीकेट होता रहेगा। सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने से अफकोर्स आपका 25-30-50 जो भी आपका एम है वो सक्सेसफुली अरेंज हो सके, लेकिन अगर एक सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम जनरेट करनी है तो यहाँ आपको सिर्फ बेचना ही नहीं, दूसरे लोगों को ट्रेन करना, उनके साथ मिलकर काम करना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, बहुत सारी बिजनेस स्किल्स आपको लर्न करने को मिलेंगी। और बहुत सारे लोग को लगता है कि हम कुछ बेच नहीं रहे, लेकिन बेचना सिर्फ हमारा कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं है। अगर कोई लेबर है तो वो टाइम के बदले पैसा है, ठीक है। अगर कोई आइडिया या स्किल, जैसे डॉक्टर लॉयर बेचते हैं, वो बेच रहा है तो वो उसके बदले पैसे ले रहे हैं। तो बेच तो हम रहे हैं कुछ ना कुछ। एंटरप्रेन्योर हैं तो आप सेल्स, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए हमारे डायरेक्ट सेल्स मेथड में आपको ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी आप लोगों को बता सकते हैं। आप जो रिटेल मॉडल या जो आप बिजनेस में आप आईबीओ हैं, आप 1-to-1 लोगों को बता सकते हैं माउथ ऑफ वर्ड से, पार्टी प्लान या आपका जो संडे का वेन्यू होता है उसके थ्रू, ग्रुप प्लान के थ्रू, ऑनलाइन जो हमारे सोशल मीडिया उसके थ्रू बता सकते हैं या जूम के थ्रू बता सकते हैं, जैसे हमारी ट्रेनिंग हो रही। तो ये सारी बातें हैं सॉरी। और कुछ लोग बोलेंगे कि टाइम नहीं है या पैसा नहीं है, बट जो आपको लिटरली मैं आपको चीज बता दूं कि हमारा जो ट्रेडिशनल जो बिजनेस होता है और जो सेफ शॉप हमारा इंडिपेंडेंट जो बिजनेस है, इसमें सबसे बड़ा फर्क यही है कि आपको यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ी नहीं रही। अगर आपको लग रहा है कि आप रिस्क नहीं ले सकते या आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं पैसा नहीं वो मतलब कॉमन उसी का पार्ट है, लोग मन से यही बोलना चाह रहे हैं कि रिस्की है, मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो सबसे पहले तो अश्योर्ड आपको ये कर दें कि यहाँ कोई अपफ्रंट कॉस्ट, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई टाइम कमिटमेंट, कोई मतलब किसी भी जगह से वहीं से करना है या ऑफिस में आना पड़ेगा, इन्वेंटोरी रखनी पड़ेगी, ऐसी कोई भी आपको यहाँ सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप घर बैठे या जहां भी आप कोलकाता हैं, दिल्ली हैं, बेंगलोर हैं, शहर हैं, गांव हैं, मोहल्ले हैं, कहीं भी बैठ के आपके पास फोन होना चाहिए और लैपटॉप होना चाहिए और करने की एक जिद होनी चाहिए। आप कहीं से भी ये बिजनेस कर सकते हैं, तो आपको ये अश्योर करना आना चाहिए कि यहाँ कोई रिस्क है ही नहीं। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुछ लोग बोलते हैं कि क्योंकि देखिए क्योंकि बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, लोग बोलेंगे कि कंपनियां देखी हैं या ऐसी पहली भी आई है, बट आपको ये अश्योर करना है कि दिस ब्रांड It stands tall. It is people can copy this brand, but they can't be the same. आप देखिए 22 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, आज का डायरेक्ट सेलिंग का बेस्ट कंपनसेशन प्लान, जो सेल्स एंड मार्केटिंग हमारा बिजनेस प्लान है, बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट टीचिंग सिस्टम, जिसने हजारों लग्जरी कार से लेके लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को उनके घर बैठे इनकम पहुंचा रही है, और फाइनेंशियल टॉप रिकॉर्ड, ऐसी कोई भी चीज किसी कंपनी में आपको देखने को मिल जाए तो मेरे को कॉल करना। लिटरली ऐसी कोई चीज है ही नहीं, और ये ट्रांसपेरेंट है, सबसे अच्छी चीज ये है। आप किसी भी बंदे को अपनी सेफ शॉप की वेबसाइट खोल के, और नीचे से फोर्थ ऑप्शन है मेन्यू खोलेंगे तो लेफ्ट से बॉटम फोर्थ है जो ऑप्शन है वो कॉम्प्लायंस का ऑप्शन है। वहां पे हर एक डॉक्यूमेंट, मंथली कैश फ्लो, एनुअल पूरी जीएसटी शीट, सारा का सारा जो भी जीएसटी रिकॉर्ड है, जितने भी पेटेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, सारा का सारा आपको कंपनी का वहां मिल जाए, तो आप लोगों को दिखा सकते हैं कि बहुत सारी कंपनियां देखी हैं क्या ऐसी, क्या आपको ऐसा प्रोडक्ट देखा है क्या, तो आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बता पाए। और 200 से 250 करोड़ हर वीक हर जो एनुअल जो कमीशन जो पे आउट है, हमारी कंपनी 200-250 करोड़ से लेकर 400 करोड़ तक कमीशन में पे आउट कर रही है। इतना तो कुछ कंपनियों का तो टर्नओवर भी नहीं है। जो लोग बोलेंगे या जो आपको सुनने को मिलेगा, इतना तो कंपनीज का टर्नओवर भी नहीं है, इवन की ट्रेडिशनल कंपनीज का, जितना तो हमारा कमीशन पे आउट कर रही है सेफ शॉप। तो ये फकर की बात है। और नेक्स्ट थिंग इज कि सेलिंग तो ट्रांसफरेबल स्किल्स है, जितना आप जैसे आइडिया सेल कर रहे हैं या वैल्यू या एक्सपर्टीज, तो यहाँ अगर आप अपने बिजनेस के बारे में, अपने रिटेल प्रोडक्ट्स के बारे में जितना लोगों को शेयर आउट करेंगे, जितनी बारे में बताएंगे, उतना आपका बिजनेस फ्लो करेगा, बिल्ड होगा। तो कुछ लोग बोलते हैं मीटिंग्स में आना जरूरी है क्या, फिजिकल्स हो या जूम मीटिंग हो, कुछ भी हो,
तो आप बताइए, आप मीटिंग्स में आएंगे, वहीं से तो आप प्रोडक्ट की नॉलेज या सिस्टम की नॉलेज ले सकते हैं, सही है ना? फिजिकल मीटिंग्स में जाएंगे, वहीं तो आप अपने एसोसिएट से या अपने मेंटर से या जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया इस बिजनेस में लेके आए, उनसे मिल पाएंगे। हर एक टीम मेंबर को आप जाके घर घर तो मिल नहीं सकते, ठीक है? तो ये एक सिंगल पॉइंट में आपका टाइम बचाने के लिए और एक कलेक्टिव जो टीम पावर है, कलेक्टिव जो एफर्ट है उसको इंक्रीज करने के लिए, एनर्जी रखने के लिए, एक्साइटमेंट के लिए हम मीटिंग्स हेल्ड करते हैं, ताकि हम पूरे वीक का या डेली या जो भी एक रेकग्निशन सेमिनार रहता है उसको हम कमीशन कर सकें या चला सकें। और कुछ लोग बोलते हैं कि बोल सकते हैं कि गोल्फर या एक्टर या मतलब मेरे को ये नहीं चाहिए, अल्टीमेट एम तो मेरा ये बनना है, अल्टीमेट एम तो मेरा पॉलिटिशियन बनना है, अल्टीमेट एम तो मेरा एक्टर बनना है। तो देखिए, आप लोगों को बता सकते हैं कि आपका जो वो अल्टीमेट एम है उसको हेल्प करने के लिए, या अगर आप वो 5 साल में देख पा रहे हैं अपने आप को, अगर वो 2 साल में चाहिए, उसको फास्टली अचीव करने के लिए ये बिजनेस आपको बिल्ड करने में मदद करेगा, वो आपका एम अचीव करने में। इवन पर्सनली मेरा खुद का पर्सनल पायलट लाइसेंस लेने का मेरा एम है अभी नेक्स्ट 2 ईयर्स में। तो अगर मेरे पास ये बिजनेस है, टाइम फ्रीडम है, मेरे को मनी की कोई लोड नहीं है, ये सारी चीजें हैं, तभी तो मैं पर्सनल पायलट लाइसेंस कभी भी ले सकता हूँ, प्राइवेट पायलट लाइसेंस है कि नहीं। तो आप ये लोगों को बता सकते हैं, अल्टीमेटली अगर कोई स्कॉलर बनना चाह रहा हो, पॉलिटिशियन बनना चाह रहा हो, कुछ भी बने, पर उस एम तक फास्टली, बेशक वो मनी का मीडियम हो या टाइम का मीडियम हो, उसको हेल्प कर सकता है उस एम को, उस ड्रीम को फुलफिल करने में। तो आप लोगों को ये समझा सकते हैं हर एक चीज, ये कॉम्प्लेंस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सारी की सारी ट्रांसपेरेंट है। और इस बिजनेस में मैं आपको बता दूं, दिस इज द ग्रेटेस्ट बिजनेस एवर, सबसे महानतम ये बिजनेस है। शुरुआत में मैं तो जी रहा था इस बिजनेस के बारे में, बट मेरे को इतना पर्सनली इतना कोई अटैचमेंट नहीं था, पर जैसे ही मैंने इसका बिजनेस एनालिस्ट या बिजनेस एनालिटिकल जो मैंने इसका सर्वे किया, इवन की फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया और फिर बहुत सारी किताबों को पढ़ा, तो मेरे को पता लगा कि ये तो मतलब एक सागर है। दिस इज द मोस्ट एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मोस्ट एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर किसी भी इम्प्लॉय के लिए या किसी भी एक नेशन का जो मेंबर है, कोई भी जनता के लिए ये सबसे बड़ा बिजनेस है घर बैठे बिल्ड करने का। मैं आई लव इट, आई एम लिविंग इट, ये मेरे लिए बहुत मतलब प्राउड मोमेंट है। मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर पाया, जितने भी न्यू कमर्स हैं आप लोगों के साथ मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे, और ये बिजनेस सभी के लिए है। लेकिन कभी भी आप मायूस मत होना, कभी भी आप एक रिजेक्शन स्टेज में मत जाना, क्योंकि सभी के लिए है, लेकिन सभी इसके लिए नहीं बने हैं। आप लोगों को प्रोडक्ट शेयर कीजिए, आप इस बिजनेस के बारे में बताइए, जितने लोग इस बिजनेस के लिए बने हैं वो आपके साथ मिलते और जुड़ के और आपके साथ मिलके काम करेंगे। बाकी जो भी आपकी ऑब्जेक्शंस या जो भी आपकी क्वेरीज हैं, ये सारी की सारी आज डिस्कस करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक सिंपल बुक रेकमेंड करता हूँ।